बीती 18 जनवरी की देर रात को हुशियारपुर के मोहल्ला ख्वाजूबासी दुकान बाहर बैठे तीन नौजवानों से कुछ तेजतार हथियारों नाल लैस नौजवानों वालों हमला करके गंभीर जख्मी कर दिता सी। जिन्हां नूं नाजुक हालत में हुशियारपुर के सिविल हस्पताल में इलाज लई भर्ती करवाया गया सी। सिविल हस्पताल हुशियारपुर च वड्डी गिणती च एकत्र होए नौजवानों वालों थाना माडल टाउन पुलिस की कारगुजारी से असंतुष्टि प्रगटाउंदियां सड़क जाम करन दा ऐलान किया गया सी। परंतु पुलिस के उच्च अधिकारियों के विश्वास दवाउण तों बाद नौजवानों वालों चक्का जाम करन दा फैसला टाल दिता गया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया जख्मी हुए नौजवान शुभम ने दस्सिया कि 18 जनवरी की रात वक्त करीब 10:30 बजे दुकान बाहर अपने होरना दोस्तों रजत और आशीष शर्मा नाल बैठे अग सेक रहे सी। इस दौरान हथियारों नाल लैस होकर आए कुछ नौजवानों वालों उन्हां उपर कातलाना हमला करके गंभीर जख्मी कर दिता। परंतु अज कई दिन बीतण के बावजूद भी पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूजे पासे हस्पताल एकत्र होए नौजवानों ने पुलिस के हमलावरों का बचाव करने के दोष लाते हुए गंभीरता नाल जांच ना करने के दोष लाए ने ते कहा कि जेकर जल्द पुलिस ने मामले च हमलावरों नू काबू ना किया तो आने वाले समय च संघर्ष किया जाएगा। इस संबंधी जदों SHO हरप्रेम सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि पुलिस वालों मामले च कोई भी ढिल मठ नहीं दिखाई जा रही है तो पुलिस शक्की व्यक्तियों की जांच भी कर रही है तो जल्द पुलिस वालों हमलावरों नू काबू कर लिया जाएगा। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। भाजी क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। शुभम जी कितने रहने वाले हो? हरदोखानपुर। किस चीज़ का काम करते हो? अपनी दुकान है इतनी मंडी के सब्जी दुकान है। दुकान नहीं खोली, मैं दुकान को नहीं खोली सी। उत्थे मुंडा यार दोस्त मेरा अपने रजत ते बब्बू भाई है, इन्हां नूं मिलण गए सी मैं उत्थे। जिहड़ा ने कीता कोई पुरानी रंजिश होणा दा दुश्मनी वगैरह? हांजी जी, पुरानी चलदी ते हैगी साडी दुश्मनी, चलदी पुरानी। किन्ने जणे जख्मी होए तुसीं? 3 जणे होए। क्या नाम है तुहाडा? रिश्वत जी। इत्थे इकट्ठे होए की कारण है जी? सर बुधवार रात नूं 10:30 बजे तकरीबन 3 तों 4 मुंडे आंदे आ ते साढ़े जिहड़े मुंडे आ साढ़े उन्होंने आ के तेज हथियारां नाल मारन की कोशिश करते हैं। एक मुंडा जिहड़ा विक्टम साडा उन्होंने एक मुंडे बचा लैंदा वा, उन्होंने कपड़ा उतर जांदा। तो जिहड़ा मुंडा अपना तुसीं देखदे अपना विक्टम खुद कह रहे हैं कि मतलब ये मुंडे सीगे ना। उस तो बाद 4 दिन पुलिस कोई नहीं इत्थे फड़दी। एडा एडी गुंडागर्दी शहर च हो गई है, पुलिस नूं कोई भी पुलिस नूं इत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा पिया। कोई एक बंदा भी बयान लैण आया पुलिस दा, कोई मुलाजम नहीं आया इत्थे। जदों मुलाजम आ रहे आ, डिप्टी साहब आ रहे नाल, डिप्टी साहब जदों आए आ वीडियो जी वेरीफाई की गई है। वीडियो में शरेआम XMC है ध्याना और बेटा शरेआम हथियार प्रोवाइड करके दे रहा उन्होंने। तो जो प्रोवाइड करके दे रहा वा, विक्टम खुद कह रहा कि मैं पहचान रहा, क्योंकि विक्टम जरा वा मुंडा 10-15 साल इन्होंने रहा वा, वो खुद उन्होंने देख के दस रहा कि इन्हें ललकारा भी मारिया सीगा ते एक मुंडे ने आप प्रोवाइड करके दिते आ। लड़ाई होई कैसी जगह जी? सर सब्जी मंडी बसी खोजो। दुकानदार करके जी, दुकाना करके बस थोड़ा हो गया। मुंडा जरा पहला काम करता सीगा ते जिहड़ा एक होर नाम मुंडा शुभम आ, उन्हां दी पहले 1 साल पहले लड़ाई हुई सी कमल भार्गव नाल ते विवेक कौशल नाल। ध्यान ना इहनां नाल अटैच्ड इकट्ठे रहिंदे, इहनां ने पहले भी तुम कीती महीने पहले उन्होंने आके कि दुकानां दुकूनां अपनी बंद कर लो। हालत की है मुंडे दी? मुंडे दी बड़ी हालत गंभीर है जी, तुसीं देख सकते हैं 6 सट्टां वज्जियां लगातार, गर्दन ते वज्जियां, इक दे सिर च वज्जी सट्टां, ते शुभम दे सिर च वल्ल 2 टक वा, अंगूठा फ्रैक्चर आया गुट वा ते कूनी आ। टोटल किन्ने जणे जख्मी होए इंजर्ड? 3 जणे आ, इक दे बांह टुट गई जी पूरी। तो वीडियो क्लियर हो चुकी है, आइडेंटिफाई सारे विक्टम आप खुद कह रहे हैं वा। फिर भी पुलिस ने तुम देखो कितनी शर्म वाली गल वा, अपने कोई मुखबिर से लिख के परचा नछाते करते हैं। वीडियो शरेआम विच मुंडे आ रहे हैं, विक्टम कह रहा है ये आए आ, जिहड़ा जिहदे सट बजी वो आप कह रहे हैं ये, लोकेशन अभी कढ़ा सकते हैं, वीडियो आ रही है, सब कुछ आ रहा। फिर पुलिस पता नहीं क्यों सुती पी है, पता नहीं क्यों उन्होंने इन्ना साथ दे रही है। ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ 71 ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬੰਟੀ ਭਾਜੀ ਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ
उन्होंने कोई भी बख्शा नहीं जाऊगा, जिनी भी मर्जी पहुँच हो उत्ते बनती कार्रवाई जी की जाऊगी। इस करके जो अभी अच्छ कट किया धरना ही लाने का सोचा सी भाई बंद कर दिता है, तो हम जो भी अगली कार्रवाई होगी 27 तरीक तो बाद ही की जाऊगी। भाजी देखो अज 7 दिन हो गए लड़ाई हुई ना ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कढ़ाई है, ना ही कोई डंप चुकाया, ना जो स्कूटर मोटरसाइकिल वरत हो कितने भी आप चैक कर लिए वह फिर नंबर किसी पूछा गया हो कुछ नहीं। जो भी किया लड़कियां ने अपनी सिरदर्दी लैके किया, जिन्या भी फुटेज कढ़ाइया आ अपनी सिरदर्दी ना कढ़ाइया, पुलिस ने कोई भी नहीं किया। जी बाकी कल की गल है भी DSP साहब ने शरेआम कहता भी उन्होंने बंदा परचा नहीं होना बी होर कि ना देना दे दौ, ये तो शरेआम लगता पाया भाजी भी पुलिस से प्रैशर है। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਆਜੂ ਬਸੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਟੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਤੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਡਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅਤੇ SF ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।